गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी मेजर एनर्जी लॉसेस की फ्लू थ्रू पाइप्स में। अब हम बात करते हैं माइनर एनर्जी लॉसेस की, कि जो लॉस बहुत ज़्यादा नहीं होते। मेजर एनर्जी लॉस मेनली हमने देखा था कि फ्रिक्शन की वजह से होता है। मैं आपको नोट्स ऑलरेडी इसके भेज चुका हूँ पीडीएफ फॉर्मेट में, तो जल्दी से समझ लेते हैं कि माइनर एनर्जी लॉसेस कौन कौन से होते हैं। तो पहले तो समझ लीजिए कि जो माइनर एनर्जी लॉसेस हैं उनमें जो लॉस है एनर्जी का, वो बेसिकली एक तो सडन एनलार्जमेंट, यानी पाइप अचानक से एक बड़ा हो जाए, एक पाइप दूसरे बड़े पाइप से कनेक्ट हो जाए, सडन कॉन्ट्रैक्शन यानी बड़ा पाइप छोटे पाइप के साथ जुड़ जाए, ड्यू टू बैंड यानी पाइप कहीं पे उसमें बैंड आ जाए, या ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन कोई रुकावट पाइप के अंदर से फ्लो हो रहा आ जाए, तो उसकी वजह से जो लॉसेस होते हैं ये सब लॉसेस माइनर एनर्जी लॉसेस कहलाते हैं। तो हमारा पहला माइनर एनर्जी लॉस है लॉस हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट, की ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी आपको सिचुएशन दी गई है कि जहां पर जो छोटा पाइप है वो एक बड़े पाइप के साथ कनेक्ट हो रहा है। ये जो छोटा पाइप है इसका डायामीटर डी वन है, बड़े पाइप का डायामीटर डी टू, इसका एरिया ए वन है और इसका एरिया ए टू है जो बड़ा पाइप है, और इसमें जो वाटर या जो फ्लूड फ्लो कर रहा है लिक्विड, उसकी वेलोसिटी यहां पर वी वन रहेगी और यहां पर वी टू रहेगी। प्रेशर इंटेंसिटी जो है, यानी जो दाब तीव्रता जिसको हम बोलते हैं, वो यहां पर पी वन है और यहां पी टू है। अब देखिए होता क्या है कि जब ये लिक्विड जो फ्लो कर रहा है वो छोटे पाइप से बड़े पाइप में आता है, तो वो सडनली इनलार्जमेंट होने की वजह से, अचानक से जो ये डायमीटर में वृद्धि हुई है इसकी वजह से वो पूरा इसमें फिल नहीं हो पाता। तो ये साइड्स में जो ये कोने आपको दिख रहे हैं कॉर्नर, यहां पर एडीज बननी शुरू हो जाती है, यानी कि भंवर टाइप की बननी शुरू हो जाती है। इन भंवर बनने की वजह से ही ये एनर्जी लॉस होता है। ये भंवर जो है हमने इसकी प्रेशर इंटेंसिटी जो मानी है वो पी मानी है, यहां पर मैंने लिख दिया है कि पी जो है वो प्रेशर इंटेंसिटी यानी दाब तीव्रता है एडीज की, और एच ई जो है वो हेड लॉस है ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट, जो सडन एनलार्जमेंट की वजह से हेड लॉस हो रहा है। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि इसमें दो सेक्शन एज्यूम कर लिए, जैसे हम लोग करते आए हैं बर्नौली थ्योरम के टाइम पे। उसके बाद हमने यहां पर बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर दी है सेक्शन वन और टू पर फॉर रियल फ्लूइड, जब हम लॉस काउंट कर रहे हैं। तो आप जल्दी से देख लीजिए, यहां पर आप पहले सेक्शन के लिए लिखेंगे तो पी वन अपॉन रो जी वी वन स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड वन, पी टू अपॉन रो जी प्लस वी टू स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड टू प्लस हेड लॉस ड्यू टू इनलार्जमेंट। अब चूंकि ये जो दोनों पाइप हैं, छोटा पाइप और बड़ा पाइप, जो छोटे डायमीटर का और बड़े डायमीटर का, ये एक ही प्लेन में है, तो जेड वन और जेड टू बराबर रहेगा। इसको फर्दर हमने सिंप्लीफाई कर लिया, अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, हमें अब इसको आगे सॉल्व करना है, उसके लिए हम दूसरे पार्ट में जाएंगे।